आज हम बनाने वाले हैं तंदूरी नान। तंदूरी नान हम ना ही तंदूर में बनाएंगे और ना ही मैदे से और ना ही इसमें सोडा ऐड करेंगे। हम इसे बनाएंगे सिंपल गेहूं के आटे से। तंदूरी नान बनाने के लिए मैंने गेहूं का आटा लिया है और उसमें थोड़ा सा कस्तूरी मेथी, एक चम्मच अजवाइन और थोड़ा सा नमक और चार चम्मच ऑयल ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी चार चम्मच दही। अब इन सभी चीज़ों को मैं अच्छे से हाथ से मिक्स कर लूँगी बिना पानी ऐड किए। हम इसे थोड़ी देर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसके सारे लंप्स हटा लेंगे और फिर उसके बाद इसमें ऐड कर देंगे एक पैकेट इनो। इनो ऐड करने के बाद मैं इसे अच्छे से चला हाथ से फिर से मिक्स कर लूँगी और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे गूंथ लूँगी अच्छे से। इसमें एक साथ हम पानी खूब सारा नहीं डालेंगे, हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसे गूंथ लेंगे। और ये देखिए मेरा आटा गूंथ चुका है, मैंने इसका अच्छा सा एक डो बना लिया है। अब मैं नान बनाना स्टार्ट करती हूँ। नान बनाने के लिए मैंने एक लोई ले ली है और अब मैं इसे अच्छे से बेल लेती हूँ। और मैंने गैस पे तवा चढ़ा रखा है जो गर्म हो रहा है, इसे मैं अच्छे से बेल के इसके एक साइड पे घी लगा लूँगी अच्छे से। खूब सारा घी लगा लेंगे वन साइड पे, पूरा अच्छे से घी लगा लेंगे, उसे पूरा फैला लेंगे। अब मैं इसको पूरा रोल कर लूँगी और इसकी फिर से लोई बना लूँगी। और फिर मैं इसमें खूब सारा आटे में डिप करके इसको फिर से बेल लूँगी। रोटी मैंने बेल ली है, अब मैं इसके एक साइड में अच्छे से पानी लगा लेंगे जिससे ये हमारा तवे में अच्छे से चिपक जाए। ये देखिए मैंने इसमें खूब सारा पानी लगा लिया है, चारों तरफ से लगा लेना है अच्छे से पानी। और ये तवा मेरा गर्म हो चुका है, मैंने इसमें कुछ बूंदे पानी के डाल के फिर प्याज को अच्छे से घिस लिया है जिससे प्याज की एक भीनी सी खुशबू हमारे नान में भी आने लग जाए। और ये देखिए नान हमारा, मैंने गैस का फ्लेम अभी लो रखा है, लो फ्लेम में मैं इसे अच्छे से सेक लूँगी। जब मुझे लगेगा कि ये अच्छे से सिक चुका है तो फिर मैं इसे दूसरे साइड से गैस की फ्लेम को हाई करके तवे को उल्टा करके नान को सेक लूँगी। ये देखिए मैं इसकी साइड सेक रही हूँ और हमारा नान फूलने लग गया है। इसको अच्छे से सेक लेंगे। मेरा नान ना थोड़ा सा जल गया था तो आप थोड़ी केयरफुली से सेकें जो ये जले ना। ये देखिए मेरा थोड़ा जल चुका है। ये बनके रेडी है। अब मैं इसी प्रकार दूसरा नान भी बना लेती हूँ। ये देखिए मैंने दूसरा नान भी बेल लिया है, इसमें भी मैं घी लगा लूँगी अच्छे से। इससे हमारे नान में लेयर बन जाती है और वो काफ़ी अच्छा फूला फूला लगता है। मैंने अच्छे से घी लगा लिया है, अब इसको रोल कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने रोल कर लिया है, इसकी भी लोई बना लेती हूँ और इसे भी बेल लेती हूँ अच्छे से।
दूसरा नान भी मैंने अच्छे से बेल लिया है। अब इस मैवे में अच्छे से पानी लगा लूँगी जिससे ये तवे में चिपक जाए। इसके चारों साइड से भी लगा लेंगे और ये देखिए इसे अच्छे से थोड़ा हल्का हल्का गैस की फ्लेम को लो रख के हल्का हल्का हाथ से टैप कर लेंगे और ये देखिए ऊपर से फूलने लग गया। अब मैं इसे दूसरे साइड से भी गैस की फ्लेम को हाई करके अच्छे से सेक लूँगी। नान हमारा अभी गैस की फ्लेम के ऊपर है। ये देखिए ये फूला फूला अच्छा सा नान हमारा बन चुका है। अभी मैं इसके साइड से सेक लूँगी जो कहीं से भी कच्चा ना लगे। ये देख सकते हैं आप, हमारा फूला फूला नान बन के रेडी हो चुका है। अब मैं इसे भी निकाल लेती हूँ। ये देखिए हमारे नान बन के रेडी हो चुके हैं, कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। आप भी इसी प्रकार घर पर तवे में गेहूं के आटे से अच्छे अच्छे नान बना सकते हैं। ये देखिए चलो आप, इसे मैं सर्व कर लेती हूँ। एक थाली में लिया है मैंने, आज ही बनाया है मटन आलू रेसिपी, उसके साथ नान बनाए हैं। मैंने प्लेट में रख लिया है कटा हुआ नींबू, दो हरी मिर्च और सैलेड। और ये नान और ये मटन और हरी चटनी। सैलेड के ऊपर से मैंने थोड़ा सा फ्लैक्स सीड्स भुने हुए ऐड कर दिए हैं। ये देखिए डिनर की थाली हमारी रेडी है बनके। अब चलो खाते हैं। मटन के साथ